है, ब्रोकली है, चेरी टोमेटो है, अनियन है, फलाफल है, कुकम्बर है, लेमन वेज पाउडर है, अनार है, हमारे साथ है। तमीज में खाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। Hi guys, this is Srishti. Welcome back to my channel and I hope you are safe. तो भाई आज हम करने वाले हैं एक अतरंगी चैलेंज जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मील बोल खाने वाले हैं, वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के। इंडियन मील बोल मैं नहीं खाऊंगी, अलग अलग टाइप के मील बोल खाने वाली हूँ और आगे हम नई नई चीज़ें ट्राई करने वाले हैं, तो देखते रहना एंड तक। और आपको उनमें से कुछ पसंद है तो मुझे ज़रूर बताना। आप चलते हैं पहली लोकेशन पे, लेट्स गो एंड हैव सम फन। ओके, हम आए हैं सुबह सुबह न्यूट्रियो बॉक्स और मैंने इनके न्यूट्रियोलिशियस बोल वाली रेंज में से लिया है। ये इनका लेबनीज फलाफल नरिश बोल है, ये 309 का एंड वी भी लिखा हुआ, तो ये वीगन है। तो इसमें मैं चीज़ें बताती हूँ, इसमें क्विनोआ है, ब्रोकली है, चेरी टमाटो है, अनियन है, फलाफल है, कोकम्बर है, लेमन वेज है, पार्सले है, अनार है, हमज है, पेस्टो है, जिसमें शादी चीज़ें मुझे पता ही नहीं क्या है, बट ठीक है। सो यार ये इतना ज़्यादा एपेटाइजिंग लग रहा है, मतलब ये चेरी टमाटो रखे हैं, कुकुम्बर, ये तो इसको मुझे बेसिकली डिप के साथ खाना है। तो ये अनार इसके ऊपर डिप के ऊपर डाला है, नीचे मुझे क्विनोआ दिख रहा है, ये रहा। तो भाई बहुत ज़्यादा हेल्दी शुरुआत हो गई है हमारी आज तो। तो ये फलाफल ना बेसिकली किसका बनता है, चिकपी का बनता है ना, और हमस भी चिकपी का बनता है। तो सबसे पहले हम यही खाते हैं। तो इसको मेरे ख्याल से पता है क्या करना होगा, सबको मिक्स करना होगा क्योंकि नीचे क्विनोआ है। तो मैं फलाफल साइड में निकाल लेती हूँ, आई थिंक सो ऐसे ही करना है क्योंकि इतने चोचले मैंने कभी करे नहीं है, अमीरों के चोचले। इन्होंने साथ में डिप भी दिया है, मिंट डिप, ये रहा क्विनोआ, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, आई थिंक सो ऐसे ही खाना है। और इसमें थोड़ा सा लेमन वेजेस डाल देते हैं, लेमन डाल देते हैं। भाई मैं भी खुद नोब हूँ इसमें, मुझे नहीं पता क्या करना है। मुझे पहले लगता था क्या है क्विनोआ, पर अच्छी चीज़ है यार, खुद नहीं बना पाऊंगी शायद, मैं बाहर जाके ही खा पाऊंगी। बहुत सही है, मतलब ना बहुत हेल्दी हेल्दी सी फीलिंग आ रही है मुझे से खा के। तो जो डिप डाल लेते हो, क्या तुमने क्विनोआ खाया है कभी? नहीं, मैं तो आज फर्स्ट टाइम खा रही हूँ यार। अब आज वाली जो वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग भी इसलिए होगी क्योंकि हम बहुत नई नई चीज़ें आज हम खा रहे हैं, आगे भी हम बहुत मस्त मस्त चीज़ें खाएंगे। ये तो बहुत यम्मी है, इसको मैं ख़त्म करती हूँ, फिर आगे मिलते हैं सीधा। भाई सुबह सुबह हमने खाया लेबनीज बोल एंड अब हम आ गए हैं लेबनीज लेबनन से सीधा मेक्सिको में। अब मैंने लिया है मेक्सिकन बुरीटो बोल और इसमें राइस है, कॉर्न है, बेक्ड बीन्स है, लेटस है, सालसा है, कॉटेज चीज़ है एंड नाचोज है। तो जो सारी मेक्सिकन डेलिकेसीज होती है सब कुछ है इसके अंदर, बोल में सारा कंप्लीट मील है। तो सबसे पहले मैं सालसा लगा लेती हूँ इस पर। सालसा क्या है, बेसिकली डिप है, टमाटर इसमें नींबू और ये सब डलता है, धनिया वगैरह का डिप बनाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेश है और ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड सालसा है, नाचोस के साथ बहुत अच्छा लगता है। स्पाइसी है ये। इसके ऊपर इन्होंने सार क्रीम डाल रखी है, ऑलिव कट आ देते हैं। ये है बेक्ड बीन्स, तो इसके साथ मिक्स कर लेते हैं। और ये साथ में इन्होंने कॉटेज चीज़ भी डाला है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा सालसा भी डाल देती हूँ। और जैसे हम पापड़ मिलाते हैं ना, तो मैं ये
ये क्या है नाचोस को इस पर क्रंचीनेस के लिए मिक्स कर लेते हैं। अब इसको पूरा अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है, अब इसको खाते हैं। सो हियर इज माय बाइट। बोल के बारे में कहूँ तो टैंगीनेस है, स्पाइसीनेस है, मतलब मस्त है यार। मतलब जैसे हमारा इंडियन खाना रहता है ना, हम लोग को भी स्पाइसी फूड हम खाते हैं, तो मेक्सिको में भी स्पाइसी फूड खाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सारी जगह पे तिखाना नहीं खाता है, तो मेक्सिको में भी स्पाइसी फूड खाया जाता है, और ये भी राइट अमाउंट ऑफ स्पाइसी है और इसमें टैंगीनेस है। इसकी वजह से ये जो मैंने सालसा मिक्स कर लिया और सार क्रीम की वजह से, और ये बोल बहुत यम्मी है। मतलब 325 कुछ का बोल है, वेजिटेरियन है इसका। नॉन वेज अगर आप नॉन वेज खाते हो तो आप नॉन वेज वेरियंट भी खा सकते हो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैं हूँ हनी एंड डो में, तो आप ये डेफिनेटली ट्राई करना। ये मैं ख़त्म करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी होने वाला है आज का सीन। तो ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं सीधा बाद में नेक्स्ट बोल खाते हुए। तो गाइज अब हम आए हैं MGF मेट्रोपॉलिटन साकेत में, और मैं आई हूँ बर्कोस में, जो मेरे को बहुत पसंद है ये जगह। मैंने शाम का स्किप कर दिया क्योंकि मुझे फाइन डाइनिंग में आना था और मुझे पता था मोटा खर्चा होने ही वाला है। मैंने ऑर्डर किया है दिस मंचूरियन बोल। यहाँ पे बहुत सारे अतरंगी बोलते हैं, शंघाई बोलता, बैंकॉक बोलता, बहुत सारे बोलते, पर मेरे को ना अभी कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने ये मंचूरियन बोल लिया है क्योंकि मुझे पता है कि ये अच्छा होता है। और ये इसमें मंचूरियन बॉल्स हैं, इसमें हाका नूडल्स हैं। सो दिस इज़ अ बोल फॉर 350 कुछ का है मेरे ख्याल से। तो यार नूडल्स हैं ये, साथ में सर्व की हुई, यम। मन कर रहा है इसी में से निकाल निकाल के खा लूँ, बट मैं डिसेंट अच्छे से तरीके से सर्व करने वाली हूँ इसे अपने आप को, बस गिर ना जाए नहीं तो। ये मिशन अकम्प्लिश ब्रो। तमीज़ में खाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, कोई नहीं इतना चलता है। अभी ना बाओ फेस्टिवल भी चल रहा है, पर मुझे ना बाओ इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, पता नहीं क्या है। वो ब्रेड सी के अंदर चीज़ें भर के देते हैं, मैंने इतना खाया भी नहीं है ऑल दो, तो मैं ज़्यादा जज भी नहीं कर सकती। तो मैंने अपना सर्व कर लिया है। यहाँ पे डिप्स भी हैं, ये विनेगर है, चिली विनेगर, और ये चिली डिप है कोई इनकी, और ये ना इनकी फ्रेश सोया सॉस रखी हुई है यहाँ पे, फ्रेशली ब्रूड है। That's it. So let's take our bite. मास्टर शेफ के तरीके से खाते हैं, थोड़ा इतना भी नहीं लेते वो बाइट। बोलने की जरूरत नहीं है भाई, लव एट फर्स्ट बाइट है ये, सीरियसली। मतलब मजा आ गया खा के। नूडल्स इतने मतलब बहुत वैसे स्पाइसी नहीं होते जैसे अपनी देसी चाइनीज़ के होते हैं, जो प्रॉपर फाइन डाइनिंग का टेस्ट है वही टेस्ट है इसका। और मंचूरियन एकदम वेल कुक्ड है, वेजीज वाला मंचूरियन है। यहाँ पे चिकन का भी आप वेरिएंट ले सकते हो, मुझे तो ये बहुत सही लगा भाई साहब। तो मैंने आज बड़े अतरंगी बोल ट्राई करे, आपको कौन सा बेस्ट लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे फूडी एंड बाय। और मैं बहुत मस्त मस्त चैलेंज कर रही हूँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। तो सी यू लेटर, बाय बाय।